देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले के विरोध में एकजुट हुआ महागठबंधन, पूरे बिहार में हुआ राज्यव्यापी चक्का जाम। पूर्णिया में महागठबंधन के घटक दल ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, घंटों रहा शहर जाम, गाड़ियों की आवाजाही रही ठप। गौरतलब है कि 2 फरवरी को शिक्षा बचाओ आक्रोश दिखाओ मार्च के दौरान हुई थी बर्बरता। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा व कार्यकर्ताओं पर चली थी पुलिसिया लाठी, कुशवाहा को गंभीर रूप से आई थी चोट, सरकार पर साधा निशाना, कहा कुशवाहा के बढ़ते कदम से घबरा गई नीतीश सरकार। रालोसपा, लोजद, राजद, हम और समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को जो शिक्षा के विषय पर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, जो उनका मार्च था राजभवन मार्च, उस पर जो ये जो वर्तमान सरकार है, जो उनकी जो पुलिस है, बर्बरता पूर्वक जो उन पर लाठी चार्ज किया, सारे जो उनके लोग थे, जो वर्कर थे, उनको बेवजह पीटने का काम किया, ये निरंकुश शासक है। इन लोगों का जो इनके जो अधीनस्थ लोग हैं प्रशासन में, पुलिस के द्वारा, CBI के द्वारा, जो विपक्ष की पार्टी है उनको तंग तबाह करना इन लोगों की नीति बन गई है। आप कल बंगाल की घटना को देखिए, वहाँ भी इसी तरह के CBI के द्वारा मतलब रेड पर रेड करवाया जा रहा है। जो लोग इनके साथ में, UP की घटना लीजिए, जब इन लोगों का गठबंधन बना तो वहाँ पर अखिलेश जी को इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया CBI के माध्यम से। नीतीश कुमार, तो इन लोगों की नीति बन गई है कि दमन की नीति, राजतंत्र की नीति ये लोग जनता पर सौंपना चाह रही है। ये लोग अपनी जो विफलताएं हैं, जो इन्होंने विकास का काम नहीं किया, जनताओं को जो ठकने का इन्होंने काम किया, उपेंद्र कुशवाहा जी इसी को उजागर कर रहे थे। जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो 14 के चुनाव में जो उन्होंने लोगों से वादा किया था, भारत की जनता से जो वादा किया था, उस पर वो निष्फल रहे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये भी उन्हीं के घटक दल में तभी मंत्री थे और इन्होंने नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और इनका जो शिक्षा विभाग था, जो इनका मंत्रालय था, उस मंत्रालय में जो काम सही ढंग से नहीं हो रहा था, शिक्षा का स्तर दिन ब दिन जो नीचे गिरता जा रहा था, उसी के संदर्भ में इनका आंदोलन था, जो कि राजभवन मार्च करना था। बेवजह निर्वेता पूर्वक इन लोगों को पीटने का काम किया। अभी तक जो इनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी, वो हॉस्पिटल में हैं, तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग आज जो ये जो बिहार सरकार है, जो निर्दया पूर्वक इन्होंने पीटने का काम किया, निरंकुश शासक है, उनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले, जैसा कि पता है आप लोग को, पटना में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक कार्यक्रम था शिक्षा सुधार को लेकर। तो रालोसपा के माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी उस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे और नीतीश कुमार का पुलिसिया तंत्र द्वारा जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया, अगर कार्यकर्ता, हम भी संयोग से पटना में थे उस दिन, अगर उनके कार्यकर्ता बचाने का प्रयास नहीं करता तो नीतीश कुमार का पूरा साजिश था कि उस दिन उपेंद्र कुशवाहा को का हत्या करा देना। तो ये मतलब सैकड़ों कार्यकर्ता रालोसपा का जो है, जिसको सर फाड़ दिया गया,
पैर तोड़ दिया गया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हम PMCH में कल मिल के आए हैं, उनका भी सर में गंभीर चोट लगा है, हाथ टूटा हुआ। तो ये जो नीतीश कुमार का जो ये नया परंपरा शुरू किया है CBI ED और नहीं तो पुलिस से लाठी चलवा कर जान लेने का साजिश, इसके खिलाफ महागठबंधन एकजुट होकर पूर्णिया में आज बंद का आह्वान किया है। और इसी में हम लोग जो है बंद सिर्फ पूर्णिया में या पूरे बिहार में? ये पूरा बिहार का बिहार बंद है और हम लोग पूर्णिया के कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, तो इसलिए हम लोग पूर्णिया में जो है बंद करा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहा है, उसको किस चीज़ का डर है? देखिए, नीतीश कुमार को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कद जिस तरह बढ़ रहा तो नीतीश कुमार अब मिट्टी पलित होने वाला है। इन ये कहते थे कि बीजेपी में मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो अब नीतीश कुमार मिट्टी में मिलने वाले हैं, और इसलिए इस तरह का घिनौना हरकत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, अपने पुलिसिया तंत्र से इस तरह का हरकत करवा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला करना ये घोर निंदनीय है, और नीतीश कुमार को जो है अब शिक्षा में गड़बड़ी है उस पर काम करना चाहिए, जो कानून व्यवस्था है उस पर काम करना चाहिए। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि यही सरकार है NDA का बिहार सरकार, जिसमें कि एक दंगा फैलाने वाला एक अभी भारत सरकार का मंत्री का पुत्र भागलपुर का, नाम हम नहीं लेना चाहते, उसको वो चैलेंज कर पूरा बिहार घूम रहा था और इस सरकार का पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाता था, और आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा, ये अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लोजत के कार्यकर्ता, पूरा महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरा विरोध करते हैं नीतीश कुमार का।